यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यशाया अध्याय 23। सोर के विषय वचन। हे तर्शीश के जहाजो, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहां न तो कोई घर और न कोई प्रवेश का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। और शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह और जातियों के लिए व्यापार का स्थान है। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है कि मैंने न तो कभी जन्माने की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब सोर का सुसमाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है? जो प्राचीन काल से बसी थी, उसी के पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे। सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हकीम हुए थे और जिनके महाजन पृथ्वी पर भारत में प्रतिष्ठित थे, उनके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठों का अपमान करवाए। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी की नाई अपने देश में फैल जाओ, क्योंकि अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्य राज्य को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किल्लों के नाश करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा। कश्तियों के देश को देखो, वह जाति अब न रहे। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान ठहराया। उन्होंने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा और 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेशा की नाई गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेशा, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। और 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाल करेगी और उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाल की कमाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको पूरा भोजन और चमकीला वस्त्र मिले।